हम यादव समाज के लोग हैं, हम एक ऐसी कम्युनिटी के विचारधारा के लोग हैं जो क्षत्रियों से जातिवाद नहीं करते, जो क्षत्रिय समाज की भी इज्जत करते हैं, ब्राह्मण समाज की इज्जत करते हैं, गुज्जर की इज्जत करते हैं, जाति धर्म मानवता की इज्जत करते हैं, सभी धर्म पंथों की, सभी संस्कृतियों की सम्मान करते हैं। हमारा वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, हम मानवतावादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम लोग भी इसी धरती पर रहते हैं, किसी दूसरे गोले से तो नहीं आए। कांड बताते हैं और उस परिवार के पास है जिनके लिए ये घर है और ये तिरपाल, इसी में पूरा परिवार गुजारा करता है। और जिसके घर में खाना ना हो वो 1.5 करोड़ की फिरौती करेगा? 1.5 करोड़ों का आप पीछा करते हो, आपके ऊपर गोलियां चलती हैं, आप किसी सुरक्षा के नहीं होते, और आपके द्वारा ये कभी गवाह नहीं होता। चलो भाई, आज हम सब लोग अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा की टीम के साथ मंगेश यादव के घर पर आए, जिसको अभी 3 तारीख को पुलिस ने इनकाउंटर में बड़ा बदमाश करके मार दिया। उसको बताया कि 1.5 करोड़ की सुल्तानपुर में हुई लूट कांड में इसका नाम था, जबकि परिवार से मैं मिला, परिवार ने हमको बताया कि वो उस समय अपनी बहन की फीस जमा करने के लिए गया था, जिसके ड्राइवर लोगों से बात किया, और जो है पुलिस घर से आती है, उठाती है, कहती है कि मैं पूछताछ के लिए ले जा रहा हूँ, प्रेशर देती है, किसी से बताना नहीं, नहीं तो तुम्हारे बेटे को मार दिया जाएगा। ऐसा परिवार लोक लिहाज के लिए जो है डर के मारे किसी से कुछ कहता नहीं है। उसकी माँ आज अभी बीमार पड़ी है, उसके पिताजी की हालत खराब है, उसकी इस घटना से उसका नाती मर गया, उसके नाती को डकैत समझ करके मार दिया गया, इसके लिए उसकी नानी का देहांत हो जाता है इस सदमे में, और माँ बेसुध पड़ी है, जिसको आज 3 दिन से होश नहीं आया है। और हम उसी घर पर हैं कि जिसे इतना बड़ा डकैती कांड बताते हैं, और उस परिवार के पास है जिनके लिए ये घर है और ये तिरपाल, इसी में पूरा परिवार गुजारा करता है। और जिसके घर में खाना ना हो वो 1.5 करोड़ की फिरौती करेगा? 1.5 करोड़ की डकैती करेगा? इतने बड़े मुजरिम कैसे हो सकता है? जबकि एनकाउंटर में जब मारा जाता है तो उस एनकाउंटर की घंटों गोलीबारी जो चलती है, जिसके मौके पर कोई बुलेट प्रूफ नहीं मालूम, बुलेट प्रूफ नहीं मिलता, कोई बुलेट की निशान नहीं मिलता, और पुलिस बिना हेलमेट के जाती है, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के जाती है, बिना किसी सुरक्षा के जाती है। कहते हैं कि इसके हेड थे 11 पुलिस कर्मियों के हेड थे डीके शाही जी LLB होल्डर हैं, जो कानून का खुद ज्ञाता हो, वो कैसे अगर इतने योग्य थे, तो एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कैसे 11 पुलिस कर्मियों की जिंदगी तबाह करने के लिए बिना हेलमेट बिना सुरक्षा के इतना बड़ा रिस्क लिया कि पांच माफियाओं का, पांच डकैतों का आप पीछा करते हो, आपके ऊपर गोलियां चलती हैं, आप किसी सुरक्षा के नहीं होते, और आपके द्वारा एक भी गवाह नहीं होता उस कांड का, एक भी गवाह नहीं है, का गवाह है हाँ मंगेश यादव को इस परिवार से ले जाया गया। सुल्तानपुर से लेकर के जौनपुर की दूरी 80 किलोमीटर एक ही वक्त में, वो दो वक्त कैसे हो सकता है, ये सवाल है। मैं ये मामले कई ऐसे परिवार के और पुलिस के कई ऐसे मामले हैं जो लगता है कि ये जांच का विषय है, इसे CBI की जांच करिए, अगर जो दोषी है उनको सजा दीजिए, अगर पुलिस पर कोई इनकाउंटर करता है, कोई गोलियां चलाता है, तो पुलिस उसका इनकाउंटर करे, आत्म सुरक्षा के लिए हक तो बनता है, लेकिन जब परिवार को आप घर से उठा करके लेके जाएंगे और मार देंगे तो सर सवाल खड़ा होगा। मैं आरोप लगा करके यादव विशेष जाति का होने के नाते आप उसका इनकाउंटर कर देते हैं, जबकि सरकारी जाति के जो लोग हैं उनको आप पैर में गोली मारते हैं, जबकि पुलिस कहती है कि 23 मुकदमों का अंतरराज्यीय अपराधी विपिन सिंह, वो अंतरराज्यीय अपराधी कैसे तुरंत सरेंडर कर देता है, ये जांच का विषय है। क्या पुलिस के संपर्क में विपिन सिंह पहले से था
मुख्य आरोपी पकड़ा ही जा चुका है, तो उसको उसके साथ जो काम में संलिप्त थे उसको उठाते, जांच करते, दोषी था कि निर्दोष था, इसके लिए माननीय न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट, इसके लिए न्यायालय है, वहां पे जांच करते, तो एक समाज में सही संदेश जाता। मैं अभी पिताजी से मिला, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, एक गुंडे का पिता, एक गैंगस्टर का पिता, वो कह रहा है कि साहब मेरे बेटे की सीबीआई जांच करा लीजिए। बताइए, मैं तो पहली बार सुन रहा हूं कि जिसके बेटे को पुलिस ने उठा लिया हो उसका पुलिस पर से भरोसा उठ जाता है, लेकिन कहते हैं कि मेरे बेटे का सीबीआई जांच करा लो। सर, मैं ये पूरा प्रकरण संदिग्ध लगता है, क्योंकि एलएलबी होल्डर डीके शाही साहब को ये पता है कि आज के जमाने में आरोपी बना करके, इनामिया घोषित करके उसे ढेर कर देना, उसके ऊपर एफआईआर कर देना जितना आसान है, उतना न्याय की मांग करना, न्याय पाना उतना ही कठिन। किसी गरीब परिवार को चुन करके उसके ऊपर मुकदमे लगा दो, उसके ऊपर इनामिया घोषित कर दो, चाहे यादव समाज का है, पीडीए समाज का है, उसका इनकाउंटर कर दो आरोपी बना करके। जबकि सरकारी जाति के लोग अगर अपराधी भी हैं, जिन्हें सरकार अपराधी घोषित कर चुकी है, न्यायालय अपराधी घोषित कर चुका है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ये पक्षपात है। सवाल ये है कि एसटीएफ पे यादव समाज संदेह करता है, जो स्पेशल ठाकुर टीम गई थी उस पे सर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, इस मुल्क में ईमानदार पुलिस अधिकारी भी रहते हैं, उनके ऊपर जो ऐसे कुछ समंतवादी विचारधारा के लोग अपने प्रमोशन और पैसे के लिए, पदोन्नति के लिए ऐसा कुकर्म कर रहे हैं, इन पे अंकुश न लगाया जाए तो कानून पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। जब पुष्पेंद्र यादव का गिरफ्तार किया जाता, पुष्पेंद्र यादव को 1,00,000 फिरौती मांगने पर अगर फिरौती नहीं दी जाती, दरोगा द्वारा उसे इनकाउंटर कर दिया जाता है, जबकि उसके नाम कभी 151 नहीं था, कोर्ट कहता है कि आप, कोर्ट ने कहा कि फर्जी है, एफआईआर दर्ज करो। जब जितेंद्र यादव का इनकाउंटर कर दिया जाता है, कोर्ट कहता है मुठभेड़ फर्जी थी, इनके ऊपर एफआईआर करो। जब चित्रकूट में भालचंद यादव का पुलिस पकड़ती है और इनकाउंटर कर देती है, और कोर्ट कहता है कि इनके एक मुठभेड़ फर्जी है, इनके ऊपर एफआईआर का आदेश दो, हत्या का, अपहरण का आदेश करो। सर, ये मामला जो है एकदम अभी न्यायालय में जो मामला आया है कौशाम्बी विजय सोनी का, उससे प्रेरित लगता है, सेम वही कहानी है। विजय सोनी अगर पुलिस ईमानदार थी, एसटीएफ ठीक तरीके से काम कर रही हैं, तो ऐसे मामले क्यों आ रहे हैं कि जिनमें कोर्ट दोषी ठहरा रही है, मुठभेड़ नहीं इसे हत्या साबित कर रही है। परिवार, क्योंकि परिवार सक्षम नहीं है, परिवार न्याय की मांग नहीं कर सकता, परिवार वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा घर चुना जा रहा है, ऐसा परिवार चुना जा रहा है, और पीडीए के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, यादव समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये पता नहीं कैसी गोलियां आजकल बन रही है उत्तर प्रदेश में, जो पीडीए का हो, यादव समाज का हो, वो गोली सर में लगती है। गोलियां कैसे जातिवादी हो गई, अगर सरकारी जाति का है गोली पैर में लगती है। अभी अनुराग ठाकुर जी का बयान देखा जाए, वो भी वरिष्ठ आईपीएस है, कि एसटीएफ पर कितना होता है कि किसको हाफ इनकाउंटर करना है, किसी का फुल इनकाउंटर करता है, इसके बावजूद भी ये टीम कहती है कि मैंने अपराधियों को पकड़ लिया है। कैसे बिना, जो अधिकारी केस में लिप्त हैं, वो कैसे अपना, सवाल ये उठता है, वो कैसे अपना जश्न मनाते हैं, कैसे पार्टी करते हैं, अपना माल्यार्पण करते हैं, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कोई आदमी जब तक चार्जशीट ना लग जाए वो माल्यार्पण नहीं कर सकता, उसे प्रोन्नति नहीं दी सकती। जैसे ऐसे सवाल
जन्म लेते हैं, इस इनकाउंटर में, इस फर्जी इनकाउंटर में सरकार द्वारा पोषित संरक्षित अधिकारी डीके शाही जैसे ही लोगों को क्यों हेड बनाया जाता है, ये सवाल है, ये शक पैदा करता है। जब आजकल हम यादव समाज के लोग हैं, हम एक ऐसी कम्युनिटी के विचारधारा के लोग हैं जो क्षत्रियों से जातिवाद नहीं करते, जो क्षत्रिय समाज की भी इज्जत करते हैं, ब्राह्मण समाज की इज्जत करते हैं, गुज्जर की इज्जत करते हैं, जाति धर्म मानवता की इज्जत करते हैं, सभी धर्म पंथों की, सभी संस्कृतियों की सम्मान करते हैं। हमारा वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, हम मानवतावादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम लोग भी इसी धरती पर रहते हैं, किसी दूसरे गोले से तो नहीं आए, यहीं पे हर समाज के बीच में रहते हैं। लेकिन ये पक्षपात, ये जातिवाद क्यों किया जा रहा है? हमारे युवाओं को, हमारे समाज के युवाओं को ये टारगेट किया जा रहा है मीडिया द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा, सब द्वारा ये टारगेट किया जा रहा है इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में कि अगर यादव है वो गुंडा है, वो माफिया है, वो बलात्कारी है, ऐसा आरोप लगा दीजिए। ऐसे आरोप लगा करके थाने में बैठ करके फर्जी FIR लिख करके उन पर इनाम लगा करके पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, क्या चल रहा है? इससे पूरा यादव समाज ही नहीं, पूरा समाज आहत है, मानवतावादी सर्व समाज में आहत है। सब समाज बुरा नहीं होता, समाज में बुरे लोग होते हैं और बुरे लोगों पे कार्रवाइयां बनती हैं, लेकिन जब एक ही समाज को टारगेट करके आप उसे निशाने पर लोगे तो सर आवाज तो उठेगी। हम लोगों ने 71 लड़ा, यादव समाज ने सन 71 की लड़ाई लड़ा, 62 लड़ा, रेजांगला लड़ा, यादव समाज का देशभक्त परिचय रहा है। हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें बताया जाता है सभी जाति धर्म सभी संस्कार सभी पंथों का सम्मान करिए। लेकिन आज हमारे समाज के युवाओं पर ये लोगो लगाया जा रहा है कि अगर यादव है तो वो माफिया है, वो गुंडा है, वो रेपिस्ट है, ऐसा करके फर्जी मुकदमे लगा के ठोकने का प्रयास किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। मैं इस मंगेश यादव के परिवार से मिला, उनकी मां बेसुध पड़ी है, दिल नहीं कह रहा है कुछ बोलूं, लेकिन ये कचोटता है, कहीं ना कहीं सवाल उठता है। अगर आरोप लगा के किसी को ठोक रहे हो तो समाज आरोप लगाता है इन कार्रवाई करने वाली टीम पर, किसी आरोप के आधार पर इन्हें सस्पेंड किया जाए, CBI जांच हो जाए, तो उसके बावजूद इन्हें फिर से बहाल किया जाए या उनको सजा दिया जाए। हम लोगों ने कभी जातिवाद नहीं किया, कभी पक्षपात नहीं किया, लेकिन अभी मुख्यमंत्री साहब ने विधानसभा में कहा कि जो है यादव है, एक यादव का नाम लिया, एक मुसलमान का नाम लिया, 16 लोग थे उसमें, 16 जातियां थी उसमें, 2 लोगों का नाम किया, सिर्फ 2 अगर निशाने पे हैं, 2 को निशाने पर लेकर के काम कर रहे हैं, पूरे कम्युनिटी को बर्बाद कर रहे हैं, पूरे कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। सर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इस परिवार से, परिवार के साथ पूरा समाज खड़ा है, पूरा संगठन खड़ा है। हम इस परिवार की सुरक्षा, अभी पंचनामा नहीं दिया गया, पोस्टमार्टम कॉपी नहीं दिया गया, क्यों लेट हो रहा है? कई सबूत मिटाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है? ये परिवार जिन्हें गुंडा बना दिया गया, जिन्हें अपराधी बना दिया गया, जिन्हें माफिया बना दिया गया, जिनका सामाजिक एनकाउंटर कर दिया गया बेटे के साथ साथ, इनकी पूरी पीढ़ी मिटा दी गई, उनको जो है कोई सुरक्षा नहीं दी गया, दिया गया दूसरे जिले में जाते हैं, उनको दौड़ाया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? सवाल है।